स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube फिटनेस चैनल में। आज की वीडियो में हम ऐसे 7 योगा पोजेज बताएंगे जो थायराइड की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दरअसल थायराइड का मुख्य कारण हमारी तनावग्रस्त जीवन शैली है, लेकिन योगाभ्यास एवं ध्यान से थायराइड के उपचार में प्राकृतिक रूप से बहुत मदद मिल। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो 7 योगा पोजेज। पहला आसन है सुप्त वज्रासन। सांस को भरते हुए पूरी बॉडी को पीछे की ओर ले जाते हुए कोहनियों के बल पर गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। गहरा सांस, श्वास पर श्वास सामान्य चलता रहे। अपने नियमित उपचार में कुछ मिनट योगाभ्यास को भी शामिल करें, जो आपके जीवन को तनाव मुक्त बनाने में सहायता करता है एवं आपके दैनिक जीवन को बहुत सरल और इजी बना देता है। क्षमतानुसार होल्ड करते हुए न रोक पाने की स्थिति में वापस। दूसरा अभ्यास शशंकासन। सांस को बाहर निकालते हुए फोरहेड को फ्लोर से टच करने की कोशिश कीजिए 8 से 10 बार इसका अभ्यास। वैसे तो ज़्यादातर योगासन हाइपो एवं हाइपर थायराइड दोनों के मरीजों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये प्रथम आसन सुप्त वज्रासन और शशंकासन ये बहुत ही लाभकारी आसन है। 8 से 10 बार प्रतिदिन इसका अभ्यास मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स किसी भी समय कर सकते हैं। तीसरा आसन ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन। सांस को भरते हुए आगे की ओर, सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर। ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन के वेरिएशन, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप मिडल बॉडी को जमीन पर लगा सकते हैं, अदरवाइज ऊपर ही रखें। गर्दन में पूरा खिंचाव, थायराइड के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आसन। इस आसन से पड़ने वाले दबाव थायराइड ग्रंथियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है और दिमाग में पाए जाने वाली ग्रंथियों को भी सही तरीके से कार्य करने में हेल्प करता है, जैसे कि पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, जिनका प्रभाव थायराइड ग्रंथियों पर नियंत्रण पाने में होता है। रिलैक्स। इसी में चौथा अभ्यास साइड बाय साइड देखते हुए। राइट साइड देखेंगे तो लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो राइट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। शिथिलासन। आसनों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पूर्ण विश्राम की अवस्था। पांचवा अभ्यास है सर्वांगासन, लेकिन आप एकदम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले 8 से 10 बार कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपके शरीर के सभी हिस्सों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है यह आसन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद फायदेमंद। सर्वांगासन यानी संपूर्ण अंग आसन कहा जाता है इसे। इंग्लिश में इसी आसन को शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट छठा अभ्यास ऊर्ध्व सर्वांग आसन। थायराइड ग्रंथियों को सक्रिय करता है एवं उनका पोषण करता है, हाथों और कंधों की मजबूती के लिए, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए, अधिक मात्रा में रक्त को पहुंचाकर मस्तिष्क का पोषण करता है। रिलैक्स। ना रोक पाने की स्थिति में 90 डिग्री पर रोकते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास मरकट आसन का अभ्यास। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी रखते हुए गर्दन को दूसरी तरफ अपोजिट साइड में 8 से 10 बार इसका अभ्यास। बार बार गर्दन की स्थिति को चेंज करते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास मत्स्य आसन। पद्मासन लगाकर पीछे लेट जाइए, धीरे धीरे सांस को भरते हुए चेस्ट को उठाएं, सिर को पीछे की ओर जमीन से लगाएं, अपनी कोहनियों को जोर से जमीन पर दबाएं, सारा भार कोहनियों पर डालें, सर पर नहीं, पैरों का जमीन पर दबाव बना रहे। नेक्स्ट अभ्यास दंडासन। ऊपर देखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए गहरा सांस भरते हुए 8 से 10 बार इसका अभ्यास। गहरी सांस लेने में मदद करता है, साथ ही साथ थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, कंधे की मांसपेशियों को तनाव मुक्त करने के लिए, गर्दन व चेस्ट में खिंचाव पैदा करता है। 8 से 10 बार इसका नियमित अभ्यास।
एक बार फिर से देख लीजिए मत्स्य आसन। पहले पद्मासन लगाइए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, माइंड को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे लेट जाइए, गर्दन पीछे की ओर, सिर को नीचे करके जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। यह आसन थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, सांस की बीमारियां, हल्के कमर दर्द, थकान, चिंता, इरेगुलर पीरियड्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए, 4 से 5 बार इसका लगातार अभ्यास। एक विशेष बात, अभी तक जो आसन बताए गए हैं अगर आप उन्हें करने में असमर्थ हैं तो ग्रीवा शक्ति विकास की सिंपल एक्सरसाइज कर लीजिए। गोलाई में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं बाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, हाथों को नीचे की ओर, गर्दन को ऊपर की ओर। ये सरल अभ्यास बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम की ये क्रियाएँ जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत लाभकारी रहेंगी। लगातार 5 से 10 बार इसका अभ्यास। वर्तमान में ये क्वेश्चन उठता है कि हम अपने शरीर से कैसे प्रेम करें, कैसे हम उसे समझें ताकि ये शरीर हमारे प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सके, हमारा साथ निभा सके। अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट आसन चक्रासन। अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है तो ये आसन बहुत ही लाभकारी है थायराइड ग्रंथि के लिए। इसके अलावा अगर आप लेटकर चक्रासन नहीं लगा सकते तो खड़े होकर वॉल का सहारा लेकर भी पीछे जा सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। वॉल का सहारा लेकर धीरे धीरे हाथों को नीचे करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते ऊपर आ जाइए, सामने झुक जाइए, सांस को बाहर निकाल कर। एक बार फिर से 4 से 5 बार इसका रेगुलर अभ्यास आपको शीघ्र ही इस तनाव से दूर कर देगा। आज फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अंतस्योग।